फिल्मी दुनिया के सितारों के बीच सेट पर प्यार हो जाना या किसी तकरार के बाद प्यार में पड़ जाना बेहद आम बात है, लेकिन प्यार को मुकाम तक लेकर जाना काफ़ी मुश्किल होता है। बॉलीवुड में ऐसी कई प्रेम कहानियां रहीं जो काफ़ी मशहूर लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। उसी में से एक कहानी है सुरैया और देवानंद की। ये लव स्टोरी अपने समय में काफ़ी चर्चा में थी, लेकिन प्रेम कहानी का अंत बेहद दुखद रहा। आज हम आपको देवानंद और सुरैया की ट्रेजिक लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर क्यों टूटा ये दो प्यार करने वालों का रिश्ता? देवानंद को भारतीय सिनेमा का एवरग्रीन रोमांटिक सुपरस्टार का खिताब दिया जाता है। देवानंद एक सफल अभिनेता होने के साथ साथ एक सफल निर्देशक भी रहे। अभिनय के अलावा देव साहब ने फैशन की दुनिया में भी एक अलग स्टाइल सेट किया। उन्होंने लोगों को अलग फैशन सेंस दिया। देवानंद अपने करियर की शुरुआत में फिल्मों में धोती कुर्ता पहना करते, लेकिन बाद में उन्होंने पैंट शर्ट पहनना शुरू किया, गले में स्कार्फ बांधने का उनका स्टाइल उस वक्त खूब कॉपी किया गया। इसी तरह से अभिनेता ने कई तरह के फैशन स्टाइल को लोगों के बीच सेट किया। एक इंटरव्यू में देवानंद ने कहा था, मैं सोचने विचारने से संबंध रखने वाली परिवार से आया हूँ। ये बात उनकी पर्सनालिटी में साफ दिखाई देती थी। और आइए अब जानते हैं अपने समय की मशहूर अदाकारा सुरैया के बारे में। सुरैया एक बेहद खूबसूरत अदाकारा होने के साथ साथ एक बहुत प्रसिद्ध गायिका भी थी। उनका पूरा नाम था सुरैया जमाल शेख। सुरैया अपने समय की टॉप की एक्ट्रेस और सिंगर थी। सुरैया का घर मरीन ड्राइव के पास था, जिसका नाम था कृष्णा महल। सुरैया की प्रसिद्धि का आलम यह था कि कई बार कृष्णा महल के आगे उनकी फैंस की भीड़ कुछ इस कदर जुट जाती कि उसे हटाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ता। सुरैया बहुत कम फिल्मों के प्रीमियर में जाया करती, क्योंकि यहाँ उनकी चाहने वालों की भीड़ को काबू करना मुश्किल हो जाता था। वर्ष 1943 में आई फिल्म इशारा ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में सुरैया को अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के साथ बतौर लीड एक्ट्रेस के रूप में काम करने का मौका मिला। 40 और 50 के दशक में बॉलीवुड की इस पहली ग्लैमर गर्ल ने एक से बढ़कर एक फिल्म दी। साल 1940 में देवानंद फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं सुरैया उस जमाने की मशहूर एस्टैब्लिश्ड अभिनेत्री और सिंगर थी। देव और सुरैया की पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई। दोनों की एक साथ ये पहली फिल्म थी। एक इंटरव्यू में देव साहब ने बताया कि सुरैया और मैं फिल्म में काम करने के दौरान करीब आए थे। वो बहुत अच्छी थी, मैं उनके दोस्ताना व्यवहार से प्रभावित था। इतनी बड़ी स्टार होकर भी उनमें जरा भी घमंड नहीं था। मैं उनसे बेमतहा मोहब्बत करता था, तब मैं जवान था और यह मेरा पहला प्यार था। हम दोनों चुंबक की तरह नजदीक आते चले गए। हम एक दूसरे को पसंद करती थी और फिर प्रेम करने लगे। फिल्म विद्या का एक गाना बोर्ड पर फिल्माया जा रहा था, तभी शूटिंग के दौरान नाव पलट गई। देव आनंद ने अपनी जान की बाजी लगाकर सुरैया को डूबने से बचा लिया। देवानंद ने एक असली हीरो की तरह सुरैया की जान बचाई थी, जिसके बाद सुरैया उन पर जान छिड़कने लगी। हादसे के बाद सुरैया ने कहा, देव सिर्फ पर्दे के ही हीरो नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी दिलेर है। देव और सुरैया का प्यार परवान चढ़ने लगा। देव जल्द से जल्द सुरैया से शादी करना चाहती थी और इसीलिए वो अपने प्यार के पास सगाई की अंगूठी लेकर पहुंचे। देवानंद ने सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में बताया, सुरैया बड़ी एक्ट्रेस थी, हमेशा लोगों से घिरी रहती थी, उनसे मिलने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। एक दिन हम चुपके से एक पानी की टंकी के पास मिले। सुरैया ने मुझसे निपट कर आई लव यू कहा। इसके बाद मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैंने सोच लिया अब ऐसे नहीं चलेगा। मैंने फौरन सगाई की एक अंगूठी खरीदी। मैं सुरैया के प्यार के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने मेरी अंगूठी समंदर में फेंक दी। हालांकि ये बात मैंने कभी सुरैया से नहीं पूछी कि उसने ऐसा क्यों किया।
सुरैया और देवानंद के दिल की बात बस सुरैया की माँ ही समझ पा रही थी। वही थी जो दोनों को हौसला दिया करती। सुरैया की माँ देवानंद के साथ अच्छी तरह से पेश आती थी, लेकिन सुरैया की नानी तो देवानंद की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी। सुरैया की नानी नहीं चाहती थी कि उनकी नाती का रिश्ता एक हिंदू लड़की के साथ हो। देवानंद की ऑटोबायोग्राफी रोमांसिक विद लाइफ के अनुसार मोहब्बत में खिंची मजहब की दीवार तोड़ने पर देवानंद के साथ साथ सुरैया भी तैयार थी, लेकिन रिश्तेदारों के आगे ये मुमकिन ना हो सका। सुरैया और देव के रिश्ते को लेकर उनकी नानी का रवैया बेहद सख्त हो गया था। आलम ये था कि सुरैया की शूटिंग के दौरान भी नानी उन पर नजर रखती। ऐसे में दोनों का मिलना और बात करना लगभग बंद हो गया था। उधर देव अब भी इस आस में थी कि सुरैया उनके पास आएंगी, लेकिन सुरैया मजहब के आगे झुक गई थी। देव सुरैया ने एक बार मिलकर अपने दिल की बात करना चाहते थे। आखिरी बार सुरैया को मोहब्बत की राह पर चलने को कहना चाहते थे। देवानंद की ऑटोबायोग्राफी के अनुसार जब देव साहब ने आखिरी बार सुरैया को मिलने के लिए फ़ोन किया, संयोग से उनका फ़ोन उनकी माँ ने उठाया। माँ ने दोनों को मिलने की इजाज़त दे दी। रात 11:30 बजे देव साहब अपने दोस्त और मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर ताराचंद के साथ सुरैया के घर गए। घर की छत पर सुरैया पहले से मौजूद थी। सुरैया दौड़कर देव साहब के सीने से लग गई और रोने लगी। दोनों आधे घंटे तक बस रोते रहे। ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी और इसके बाद दोनों ने हमेशा के लिए एक दूसरे को भूल जाने का फैसला किया। वर्ष 1954 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर देवानंद को फिल्म की इस नई एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से प्यार हो गया और इसके बाद देवानंद ने बिना देर किए कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, क्योंकि देव साहब दूसरी बार अपने प्यार को खोना नहीं चाहते थे। जीवन की आखिरी दिनों तक कल्पना देव के साथ रही। 3 दिसंबर 2011 को हार्ट अटैक से देवानंद का निधन हो गया। बात करें अगर सुरैया की, तो देवानंद से अपनी मोहब्बत अधूरी रहने के बाद सुरैया ने कभी किसी और से दिल नहीं लगाया। उन्होंने ताउम्र शादी ना करने का फैसला किया। कहा जाता है कि सुरैया देव साहब की जिंदगी में वापस आना चाहती थी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। देवानंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली थी और उनकी ये मोहब्बत अधूरी ही रह गई। सुरैया ने देव साहब की यादों के सहारे अपनी ताउम्र गुजार दी और 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में सुरैया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देव और सुरैया की इस अधूरी मोहब्बत के किस्से आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। इन दोनों ने एक साथ कई हिट फिल्में दी और इनकी एक्टिंग को लोग आज भी बेहद पसंद करते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दो बेहद खूबसूरत और कामयाब स्टार्स की ये अधूरी लव स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।